नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। राधानगर पुलिस प्रशासन की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित ब्राउन सुगर के हां साथ दो तस्करों को गिरफ्तार में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने उसके पास से 930 ग्राम ब्राउन सुगर जब्त किया, जबकि बाजार में अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पकड़े गए तस्करों में से एक सरायकेला खरसावा के इम्तियाज खान व दूसरा राजमहल थाना क्षेत्र के मुर्गी टोला निवासी अब्दुल रज्जाक शामिल है, जिसकी जानकारी राजमहल SDPO विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि बढ़हरवा राजमहल मुख्य मार्ग से एक उजले रंग की कार में कुछ व्यक्ति ब्राउन सुगर लेकर राजमहल की तरफ जाने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक ने द्वारा राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी SDPO राजमहल के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा राधानगर थाना अंतर्गत चौल्टी पोखर के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, तभी कुछ देर के बाद बढ़हरवा की तरफ से एक उजले रंग की कार आती दिखाई दी। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल के द्वारा विधिवत कार की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में कार के डिक्की में सीट के नीचे एक चैम्बर के नीचे में छिपाकर पैकेट रखा हुआ पाया गया। आज दिनांक 5/10/24 को पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज को यह सूचना प्राप्त हुई कि बढ़हरवा राजमहल मुख्य मार्ग से एक उजले रंग के कार में कुछ व्यक्ति ब्राउन शुगर लेकर आने वाले हैं। SP सर के द्वारा एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल, SDPO राजमहल, पुलिस निरीक्षक राजमहल एवं थाना प्रभारी शामिल थे। छापामारी दल के द्वारा राधानगर स्थित साल्टी पोखर के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ देर बाद एक उजले रंग की कार जिसपे 05 यानी जमशेदपुर का नंबर था, उस कार को रोका गया। विधिवत उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में कार के डिक्की में पिछले सीट के नीचे एक चैम्बर बना हुआ था बॉक्सनुमा, जिसमें एक पैकेट बरामद हुआ। उस पैकेट को खोलने से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ रखा हुआ है। कार में सवार दोनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो ब्राउन शुगर लेकर आ रहे थे और उसे राजमहल की तरफ आकर बेचने वाले थे। उस पैकेट में कुल 930 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इस संबंध में राधानगर थाना कांड संख्या 172/24 NDPS एक्ट के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। धन्यवाद। में कुछ जानकारी पता है? अभी अन्य बहुत सारे बिंदुओं पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है, उससे जो प्राप्त होगा वो आप लोगों को बहुत जल्द बता दिया जाएगा।